21st सेंचुरी की शुरुआत से अमेज़न अब सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से टॉप चॉइस बन गया है, जिसका रीज़न अमेज़न प्राइम वीडियोस बिल्कुल भी नहीं है। अमेज़न सभी अदर ई कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड लेस फेमस अदर ई कॉमर्स कंपनीज की कंपैरिजन में बेटर इसलिए है बिकॉज अमेज़न ओवर द टाइम अपनी सर्विसेज को बेटर बनाता आया है, जिसमें से अमेज़न का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल डिसीजन रहा है वन डे डिलीवरी या फिर अमेज़न प्राइम ऑप्शन, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़े इशू वेटिंग टाइम को जस्ट एक मंथली सब्सक्रिप्शन से सॉल्व किया जा सकता है, जिसकी हेल्प से सभी कस्टमर्स अर्जेंटली किसी भी प्रोडक्ट को अपने डेस्टिनेशन पर अंडर 24 आवर्स कभी भी डिलीवर करवा सकते हैं। बट हाउ ओनली अमेज़न कस्टमर्स के पास ही ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड कैसे अमेज़न किसी भी प्रोडक्ट को सेम डे या फिर 24 आवर्स में डिलीवर कर पाता है। ओवर द टाइम अमेज़न अपने कस्टमर्स को ये एक्सपेक्टेशन देता आया है दैट उनका ऑर्डर प्रोडक्ट ऑर्डर टाइम के विद इन 24 आवर्स या फिर नेक्स्ट डे उनके डोरस्टेप पर अवेलेबल होगा, और इस तरह की एक्सपेक्टेशन को अचीव करना एंड पॉसिबल कर दिखाना ही अमेज़न को सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से डिफरेंट बनाता है, जो जेफ बेजोस हमेशा से प्रूव करना चाहते थे, जो आज अमेज़न के सक्सेस का काफ़ी बड़ा रीज़न है, जिसकी वजह से आज ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हमेशा अमेज़न पर अपना ऑर्डर इस एक्सपेक्टेशन से प्लेस करते हैं कि उनका ऑर्डर बिना किसी डिले के उन तक पहुंचा दिया जाएगा। एंड ऐसा फीचर किसी भी इंटरनेट शॉपिंग एक्सपीरियंस को एंड एक ट्रेडिशनल शॉपिंग एक्सपीरियंस को सेम लेवल पर ले आता है। बट इस तरह की 24 आवर्स डिलीवरी को अचीव करने के लिए अमेज़न ऐसी एक्सपेक्टेशन को कैसे अचीव करता है? शुरुआत होती है किसी एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करने से, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट। According to Amazon, Indian females order more product online than anybody else. So now question ये है कि Amazon कैसे इस beauty product को उनके customers तक same day delivery करेगा? Fun fact, किसी भी product को purchase करने का decision हम Amazon के app या फिर website पर नहीं लेते। In fact, किसी product को online purchase करने की journey किसी भी e-commerce website पर जाने से पहले ही शुरू हो जाती है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। So ये process actually में कब शुरू होता है? ईयर 2015 की शुरुआत से अमेज़न अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेता आया है, एंड इस तरह की मशीन लर्निंग किसी भी कंट्री के यूजर्स के ऑर्डर्स को एनालाइज करता है कि कौन से समय किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर रीजन में किसी पर्टिकुलर कैटेगरी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने वाली है। इस तरह की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए अमेज़न AI वैसे ही प्रोडक्ट्स यूजर्स को शो करता है या फिर नोटिफिकेशन सेंड करता है जिसे इग्नोर करना उनके लिए मुश्किल हो, एंड ऑनलाइन शॉपिंग इंजॉय करने वाले लोग इस तरह के AI का शिकार काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। वेल, आपका क्या एक्सक्यूज़ है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए? शेयर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑल्सो, इस तरह की AI वर्किंग को एक और तरह से समझा जा सकता है, जिसे काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा, विच इज़ हमारे विशलिस्ट प्रोडक्ट्स के आने वाले ऑफर्स की नोटिफिकेशन या फिर उनकी कंपेरिजन में लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की सजेशंस। जो अगेन डीप लर्निंग AI कस्टमर्स के विशलिस्ट लैगिंग और ओल्ड परचेस ऑर्डर की मदद से एनालाइज करता है, एंड इस तरह की एनालिसिस की मदद से ही अमेज़न अपने सेल्स को ईयर 2015 की शुरुआत से ही ओवर द टाइम इंक्रीज करता आया है। जैसे कि वेडिंग सीजन के समय चाहे अमेज़न अकाउंट यूजर मेल हो या फिर फीमेल, अमेज़न AI आपको वेडिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा शो करेगा, एंड सिंस वेडिंग सीजन में कोई भी अपने लुक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता एंड जस्ट थोड़ा सा अपने लुक्स को एक्स्ट्रा लेवल तक ले जाने के लिए कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस कर ही देते हैं, एंड अमेज़न ऐसे डिमांड्स को 24 आवर्स में पूरा करने के लिए पूरे वर्ल्ड में मौजूद 175 फुलफिलमेंट सेंटर्स की मदद लेता है, सो दैट अमेज़न कस्टमर्स का प्रोडक्ट भले ही किसी दूसरी कंट्री से क्यों ना आए, कस्टमर्स का प्रोडक्ट उनके घर तक सेम डे पहुँचाना ज़रूरी है। बट रियल मैजिक ऐसे ही 175 फुलफिलमेंट सेंटर्स के अंदर शुरू होता है, जहां पर अमेज़न अपने प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, जिसमें से नियरली 50% प्रोडक्ट्स ओनली अमेज़न फुलफिलमेंट के थ्रू सेल करने के लिए छोटी कंपनियां अमेज़न वेयर हाउसेज में रखती हैं, जिसके लिए अमेज़न उन कंपनीज को स्पेस के एक्सचेंज में मंथली सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करता है। इस तरह के बिजनेस स्ट्रेटेजी की शुरुआत अमेज़न ने ईयर 2006 में की थी, जिसे नाम दिया गया था फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। गोइंग बैक टू आवर एग्जांपल, इस तरह की प्रोग्राम की हेल्प से स्मॉल कंपनीज को अपने प्रोडक्ट की शिपिंग से रिलेटेड एंड डिलीवरी से रिलेटेड इशू को फेस नहीं करना पड़ता, जो अमेज़न को उनके कस्टमर्स के प्रोडक्ट सेम डे पहुंचाने के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। एंड इवन दो अमेज़न के वेयर हाउसेज में रखे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स अमेज़न खुद नहीं बनाता, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बट अमेज़न हमेशा डिमांड में रहने वाले प्रोडक्ट्स डायरेक्टली छोटी कंपनियों से परचेज करके अपने वेयर हाउसेज में कस्टमर्स के लिए ऑलवेज रेडी रखता है,
जहां पर नॉट ओनली हमारे एग्जांपल जैसा प्रोडक्ट बट ऑलवेज डिमांड में रहने वाले प्रोडक्ट्स को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वेयरहाउस में अलग अलग जगह पर रेडी रखा जाता है, जिसकी इंफॉर्मेशन अमेज़न फैसिलिटी के डेटाबेस में रिकॉर्ड की जाती है, जिसके बाद किसी कस्टमर के ऑर्डर करते ही वेयरहाउस में मौजूद ऑटोमेटिक रोबोट या फिर किसी ह्यूमन की हेल्प से उस पर्टिकुलर ऑर्डर आइटम को डिलीवरी के लिए रेडी किया जाता है। नाउ ये तो ऑब्वियस है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अमेज़न का सबसे बड़ा होने का कारण है अमेज़न फुलफिलमेंट प्रोग्राम, बट इस एक्सपेक्टेशन को अचीव करने के लिए यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, जो यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए एक नाइटमेयर है। एंड अपने प्रोडक्ट्स को कम से कम टाइम में डिलीवरी के लिए रेडी करने के लिए ईयर 2012 में अमेज़न ने ऑटोमेटिक रोबोट्स की मदद लेनी शुरू की, जिस पर अमेज़न एवरी ईयर मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करता है, जो इस तरह के वेयरहाउस में काम करने वाले लोगों की काफ़ी हेल्प करता है, बिकॉज इस तरह से अमेज़न फैसिलिटी में काम करने वाले ह्यूमंस को प्रोडक्ट की डेस्टिनेशन पर चलकर नहीं जाना पड़ता, बिकॉज ये टाइनी रोबोट्स प्रोडक्ट की पूरी शेल्फ को ह्यूमंस तक लेकर आते हैं। इस तरह के अपग्रेड के बाद से किसी भी आइटम को डिलीवरी के लिए पिक करने में ओनली 15 मिनट्स का समय लगता है, जबकि पहले किसी प्रोडक्ट को उसकी स्टोरेज से पिक करने में 60 मिनट्स का समय लगता था। इवन नाउ अमेज़न जैसी फैसिलिटी जहां पर किसी प्रोडक्ट को रखे जाने वाली जगह बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अमेज़न टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ अवेलेबल कराता है जो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे। फॉर एग्जाम्पल दिस रिस्ट बैंड, जो शेल्फ की तरफ एम्प्लॉयज़ का हाथ जाते ही वाइब्रेट करके ये बताता है कि कौन से शेल्फ पर किसी आइटम को रखा जाए, या फिर किसी कस्टमर द्वारा ऑर्डर किए गए आइटम को कौन से शेल्फ से पिक करने में कम टाइम लगेगा। ऑल्सो किसी बड़े शेल्फ पर किसी छोटे आइटम को फाइंड करने में लगने वाले टाइम को रिड्यूस करने के लिए अमेज़न एम्प्लॉयज़ इस तरह के डिवाइस की हेल्प लेते हैं, जो दूर से ही किसी आइटम की अवेलेबिलिटी किसी शेल्फ में प्रेजेंट होने की इंडिकेशन देता है, जो अगेन अमेज़न एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आइटम को पिक करने के बाद हमारे ऑर्डर प्रोडक्ट के साथ सभी ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट्स को सॉर्टिंग के लिए भेजा जाता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोबोट्स पर होती है, जो पिन कोड, स्टेट या फिर सिटी के बेसिस पर सभी सॉर्टेड प्रोडक्ट्स को एक साथ जमा करते हैं, जहां से एक और चैलेंज की शुरुआत होती है, विच इज़ ऐसी डिलीवरी कंपनीज को चूज़ करना जो ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसों में प्रोडक्ट्स को उनके कस्टमर्स तक डिलीवर करें, जैसे कि ब्लू डार्ट, डिलीवरी एटसेट्रा। एंड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ईयर 2022 तक अमेज़न 6.5 बिलियन पार्सल्स एवरी ईयर डिलीवर करेगा। इस तरह के बड़े नंबर को देखते हुए अमेज़न ऑलरेडी ऐसे प्लान्स पर काम कर रहा है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए अमेज़न को किसी दूसरी कंपनी की ज़रूरत ना पड़े, जिसके लिए अमेज़न ऑलरेडी अमेज़न फ्लैश जैसे प्रोग्राम की हेल्प ले रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा ऊबर ईट्स या फिर जोमेटो डिलीवरी की तरह काम करता है। एंड अमेज़न ऑलरेडी 60% प्रोडक्ट्स की डिलीवरी विद इन अमेरिका अमेज़न फ्लैश की मदद से कर रहा है, जो सून बड़ी कंट्रीज जैसे कि इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा। बट अमेज़न फ्लैश के साथ साथ अमेज़न अपने प्रोडक्ट्स को बाय रोड या फिर बाय एयर खुद डिलीवर करने के लिए 300 ट्रक्स, 30,000 वैन्स एंड 70 एरोप्लेन्स की हेल्प लेता है। एंड इस तरह इंडिया से ऑर्डर किया गया ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न प्राइम की हेल्प से अमेरिका से डायरेक्टली विद इन 24 आवर्स कस्टमर के हाथों तक पहुँचाया जाता है, जिसकी शुरुआत किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एड से होती है, जो अमेज़न के किसी फुलफिलमेंट फैसिलिटी में ऑर्डर प्लेस होने के बाद डिलीवरी के लिए निकलने का वेट कर रहा होता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और यदि आपके पास कोई वीडियो सजेशन है देन आई विल सी यू इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर योर टाइम, अंटिल नेक्स्ट टाइम।